अजीब है इंसान। वैसे तो मुसलसल ये कोशिश करते हैं कि हर चीज छुपाई जाए, लेकिन अपनी आदत और हरकत से हर वक्त हर लम्हे अपनी तमाम चीजें आशना करते रहते हैं। जैसे कि इल्म जफर की रोशनी में इंसान के बैठने के अंदाज से भी इंसान की शख्सियत का पता लगाया जा सकता है। अगर आप इस तरह से बैठते हैं, इसका मतलब यह है आप क्रिएटिव माइंड हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, आपके अंदर बचपना मौजूद है, आप बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते, जो मन में आता है कह देते हैं, आप खुश मिजाज इंसान हैं, अपनी जिंदगी के मसले दरगुजर करते रहते हैं, आप बोरिंग इंसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस तरह से बैठते हैं, इसका मतलब आप ख्वाहिशें बहुत रखते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं अगर बहुत देर किसी जगह पे रहें, चाहे वो रिलेशनशिप हो या जॉब। आपको दोस्ती करना बहुत पसंद है, आपके दोस्त बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन कोई अगर आप पे तनकीद करे या कोई आपको हुक्म दे तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। अगर आप इस तरह से बैठते हैं, इसका मतलब आपकी जिंदगी में बहुत अफरा तफरी है, चाहे वो आपके काम से जुड़ी हो या फैमिली से या दोस्तों से। हमेशा आपके आसपास कुछ ना कुछ ड्रामा होता रहता है, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद भी आप हौसला नहीं हारते। अगर आप इस तरह से बैठते हैं, इसका मतलब आप साफ सुथरे और होशियार इंसान हैं। आप जरूरत आने पे कोई भी एक्शन ले सकते हैं और आप हर फैसला सोच समझ के करते हैं। अगर आप इस तरह से बैठते हैं तो आपका मिजाज यह है, आप बहुत हसास तबीयत के मालिक हैं और बहुत शर्मीले हैं, अपने एहसास और अपनी बातें अपने तक रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते, अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। अपने आप को खूबसूरत रखना, अपने आप को बेहतर बनाना यह आपकी आदत रहेगी। लोगों को ये फील कराएंगे कि उनकी बातों का आप पे कुछ असर नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत दुख होता है।